अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद सज्जाद और मैं हूं अहमद खोखर। तो आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मिस्टर अहमद के नाम से। तो आज अहमद बताएं हम किस टाइटल पे वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं, बताओ बताओ ना, सिंध सूबा, सिंध पाकिस्तान का सूबा, सिंध और इंडिया का सूबा गुजरात, इनका इनका कंपैरिजन होने जा रहा है। तो फिर देखते हैं कौन सा सूबा बड़ा है, सिंध का बड़ा है या गुजरात बड़ा है। तो यार काम तो सिंध भी नहीं, वाकई यार सिंध भी बहुत बड़ा है, लेकिन इंडिया का रकबा भी बहुत ज्यादा है और आबादी भी बहुत ज्यादा है। हमारा सिंध भी बहुत प्यारा है, लेकिन हमने गुजरात सूबा अभी तक विजिट नहीं किया, इसका कंपैरिजन नहीं देखा। फिर देखते हैं गुजरात में कितनी आबादी पाई जाती है और सूबा सिंध में कितनी आबादी पाई जाती है। तो फिर बगैर टाइम वेस्ट किए रिएक्शन देते हैं। हाँ, गुजरात हमारे पाकिस्तान के एक शहर है ना, तो इंडिया का सूबा और हमारा सिटी है गुजरात। तो फिर बगैर टाइम वेस्ट के रिएक्शन देते हैं, लेट्स गो। तो कैसे हैं व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और आप सभी का वेलकम है आज के इस कंपैरिजन वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे इंडिया की स्टेट गुजरात को पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध के साथ। तो इस वीडियो के सभी फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। गुजरात इंडिया की एक स्टेट है और सिंध पाकिस्तान का एक प्रोविंस है। गुजरात को 1 मई 1960 में एस्टैब्लिश किया गया था और सिंध को 1 जुलाई 1970 में एस्टैब्लिश किया गया था। अगर बात की जाए एरिया की तो गुजरात का एरिया 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर है और वहीं पर सिंध का एरिया 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर है। गुजरात स्टेट में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और सिंध प्रोविंस में 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर बात की जाए पॉपुलेशन की तो गुजरात स्टेट की पॉपुलेशन 64 मिलियन पीपल है और वहीं पर सिंध प्रोविंस की पॉपुलेशन 48 मिलियन पीपल है। लैंग्वेजेस में गुजरात की ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती और हिंदी है और वहीं पर सिंध की ऑफिशियल लैंग्वेज सिंधी और उर्दू है। अगर बात की जाए HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तो गुजरात स्टेट का HDI 0.667 है और सिंध प्रोविंस का HDI 0.533 है। लिटरेसी रेट में गुजरात स्टेट का लिटरेसी रेट 83% है और पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध का लिटरेसी रेट 65% है। अगर बात की जाए GDP की तो इंडिया की स्टेट गुजरात की GDP 260 बिलियन US डॉलर है और पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध की GDP 100 बिलियन US डॉलर है। गुजरात स्टेट में 17 टोटल एयरपोर्ट्स हैं और पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध में 20 टोटल एयरपोर्ट्स हैं। अगर बात की जाए एवरेज इनकम की तो गुजरात स्टेट में एवरेज इनकम 35,000 इंडियन रुपीज़ है और वहीं पर पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध में एवरेज इनकम 25,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है। इंडिया की स्टेट गुजरात के सेफ्टी और सिक्योरिटी में 4 स्टार्स हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी 4 स्टार्स हैं और डेवलपमेंट में 5 स्टार्स हैं। वहीं पर पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध के सेफ्टी और सिक्योरिटी में 2 स्टार्स हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी 2 स्टार्स हैं और डेवलपमेंट में 3 स्टार्स हैं। अगर बात की जाए फेमस सिटीज़ की तो इंडिया की स्टेट गुजरात की फेमस सिटीज़ में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट और गांधीनगर है और वहीं पर पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध की फेमस सिटीज़ में कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और नवाबशाह है। तो इन सब के साथ अगर फेमस फूड्स की बात ना की जाए तो ये कंपैरिजन अनफेयर होगा। तो इंडिया की स्टेट गुजरात के फेमस फूड्स में खंडवी, गुजराती समोसा, हुंदियो, गुजराती कढ़ी और ढोकला है और वहीं पर पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध के फेमस फूड्स में दाल पकवान, सिंधी करी, कोकी, साई भाजी और ज्वार जो बाथू है। तो ये थी आज की कंपैरिजन वीडियो जिसमें हमने कंपेयर किया इंडिया की स्टेट गुजरात को पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो तो आपने देख ली, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अहमद आपको सिटी कौन सा पसंद आया? सिटी या सूबा? सूबा वो सिटी भी है ना अंदर, सूबा भी। तो मुझे जो अच्छा लगा, सबसे अच्छा जो लगा ना खूबसूरती के लिहाज से, दोनों ही अच्छे लगे हैं। उनमें जो है सिटी, उनमें से कौन कौन सा प्यारा लगा पाकिस्तान? मुझे उनमें से प्यारा लगा पाकिस्तान में का मैं बाद में बताता हूँ, इंडिया में मुझे लगा गांधीनगर
और बहुत अच्छा लगा अहमदाबाद, ये मुझे अच्छा लगा, और पाकिस्तान में हैदराबाद अच्छा लगा, और सखट नहीं कराची, कराची कराची रोशनियों का शहर है पाकिस्तान का, लेकिन ये मुझे दोनों दोनों पाकिस्तान से अच्छे लगे दोनों। तो पकवान कौन कौन से अच्छे लगे दोनों? पकवान मुझे सच्ची बताऊं उसकी जो गुजरात की जो कढ़ी है समोसा, और कराची का मुझे पकवान कुछ अच्छा इतना नहीं लगा, क्योंकि लाहौर के पकवान है जो लाहौर सिटी के पकवान इतने ज्यादा यार अच्छे हैं ना। तो जो है कौन सा था हैदराबाद का, अहमदाबाद इंडिया का अहमदाबाद हमारे यहाँ ही करीब है, किला अहमदाबाद हमारे गांव से तकरीबन तकरीबन 10-15 किलोमीटर 20-25 रोड के कोल है, 30 किलोमीटर 25-30 किलोमीटर होना किला अहमदाबाद। इंडिया में भी किला अहमदाबाद है, पाकिस्तान में किला अहमदाबाद। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। तो यार पाकिस्तान एक चीज से आ गया है, किसमें था मुझे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट यार ओ पाकिस्तान पाकिस्तान बोल रहा हूँ, वो सिंध का सूबा गुजरात से बस 3 एयरपोर्ट्स की वजह से ज्यादा है सिंध। तो लेकिन यार गुजरात हर लिहाज से सूबा सिंध से आगे था, लेकिन अभी अभी मेहनत करनी है हम लोगों ने भी, और इंशाल्लाह स्ट्रगल करते रहेगा हमारा मुल्क, पता नहीं कब स्ट्रगल करेगा और हम भी देखेंगे हम कब कामयाब होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। इंडिया में भी बहुत ज्यादा यार खूबसूरती पाई जाती है। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।